सच्ची भक्ति। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। धन प्राप्ति के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। एक बार उसे एक व्यक्ति मिला और उसने उससे बोला कि तुम भगवान शिव की पूजा करो, वह तुम्हें धनवान कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। कई महीने तक भगवान शिव की पूजा करता रहा, परंतु कोई फल नहीं निकला। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला और बोला कि तुम धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करो, वह तुम्हें धनवान कर देंगी। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने भगवान शिव के बगल में बैठी लक्ष्मी की मूर्ति रखी थी और पूजा आरंभ की। एक दिन जब उसने धूप जलाई तो धूप से उड़ता हुआ धुआं भगवान शिव की मूर्ति की ओर जाने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि इतने महीनों तक इनकी पूजा करता रहा लेकिन इन्होंने मुझे कोई फल नहीं दिया, लेकिन आज मैं इस धूप की सुगंध इनकी तरफ नहीं जाने दूंगा, भगवान शिव की तरफ, क्योंकि उन्होंने उसकी मुराद पूरी नहीं की, कोई फल नहीं दिया। तो व्यक्ति ने उन दोनों मूर्तियों के बीच एक लकड़ी का पट्टा लगा दिया ताकि धूप की सुगंध भगवान शिव की मूर्ति तक ना पहुंचे। जब उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, बेटा मांगो, क्या बर मांगते हो? वह व्यक्ति बोला, आज तक मैं आपकी पूजा करता रहा तो मुझे कोई फल नहीं दिया, और जब आज धूप की सुगंध आपकी तरफ ना जाने दी तो आप तुरंत आ गए। तो भगवान शिव बोले कि वत्स, आज तक तुम मूर्ति की पूजा करते थे, भक्ति का असली भाव तो तुम्हारे अंदर आज ही जागा है। आज ही तुम्हारे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि सच में भगवान है, कि तुम मेरी तरफ धुआं नहीं आने दे रहे। मैं तुझे तो मुझे आना पड़ा, तब तुम केवल एक मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन आज तुमने सच में माना है कि भगवान है। इसलिए दोस्तों, हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने मूर्ति रखी ही हो। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? मतलब आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर।